अगर आपकी भी स्किन उम्र से पहले ही ढीली पड़ रही है, झाइयाँ, झुर्रियाँ, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, एक्ने, पिंपल अगर आपको बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आज बहुत ही सिंपल और कमाल की चीज़ मैं आपके साथ गुड शेयर कर रही मॉर्निंग, हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। बहुत बार मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि दी अभी उम्र हमारी 30 तक भी नहीं पहुंची, लेकिन चेहरे पे फाइन लाइंस, रिंकल्स दिखना शुरू हो गए हैं। आप अपनी स्किन को यंग और टाइट बनाए रखने के लिए क्या करते हो? अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। तो आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैं क्या करती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम केमिकल प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, नतीजा वो हमारी स्किन को डैमेज करते जाते हैं और फिर हमें टाइम से पहले ही फाइन लाइन, रिंकल्स, झुर्रियाँ पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, पिगमेंटेशन, पिंपल्स, मतलब कि हर तरह की स्किन प्रॉब्लम आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो कैसे बचना है? देखिए, एक तो हमें केमिकल प्रोडक्ट कम से कम इस्तेमाल करने चाहिए, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पे भरोसा करना चाहिए और नेचुरल चीज़ों को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। भाई, पुराने ज़माने में लोग नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते थे और उनकी जो स्किन थी ना, हमेशा यंग बनी रहती थी। तो एक ऐसा ही नेचुरल इंग्रेडिएंट है मुल्तानी मिट्टी, और मैं मुल्तानी मिट्टी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। अब बात आती है कि कौन सी मुल्तानी मिट्टी हम इस्तेमाल करें। बहुत बार आपका ये क्वेश्चन होता है, तो देखिए मैं कौन सी मुल्तानी मिट्टी इस्तेमाल करती हूँ, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, ये है नेचर श्योर की मुल्तानी मिट्टी, और ये जो मुल्तानी मिट्टी है ना, 100% प्योर है। प्योर, देखिए प्योर है, कैसे पता लगाएं? तो इसका सबूत भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये प्योर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये आपको इसकी प्योरिटी का सर्टिफिकेट देखने को मिल जाता है, और ये सर्टिफाइड है, 100% प्योर है। तो आपको, आप इसे बेझिझक अपनी स्किन केयर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वाला जो पैक है ना, ये जब मैंने खरीदा था तो इसके साथ, देखिए ये है मेरा पैक, क्योंकि मैं पहले से इस्तेमाल कर रही हूँ तो ये खुला हुआ आपको नजर आ रहा है। तो ये पैक इसमें रिसीव हुआ था, साथ ही रिसीव होता है आपको ये गुलाब जल, और ये स्कूप भी है इसमें, साथ ही आपको फेस पैक लगाने के लिए ब्रश भी मिल जाता है। तो कमाल की चीज़ें हैं। बाकी चलिए, अभी मैं अपनी स्किन के लिए इसे कैसे इस्तेमाल करती हूँ वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए क्या करना है, मैंने यहाँ पे ले लिया है बाउल, और जैसे कि इसमें ये स्कूप भी है, तो इसकी मदद से आप एक फेस के लिए एक स्कूप काफ़ी रहेगा। तो इस तरह से हम एक स्कूप यहाँ से निकाल लेंगे मुल्तानी मिट्टी का। मैं आपको डिफरेंट तरीके से मुल्तानी मिट्टी इस्तेमाल करना बताऊंगी। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आपको कैसे इस्तेमाल करनी है, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो क्या करना है, और अगर आपको एक्ने, पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते रहते हैं तो क्या करना है, बाकी अगर आपकी स्किन में फाइन लाइन्स, रिंकल्स दिखना शुरू हो गए हैं तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, जिन लोगों की स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली होती है उनको क्या करना है। और ये जो पैक है ये आपकी फाइन लाइन, रिंकल को भी कम करेगा, आपकी स्किन को ये बूढ़ा नहीं होने देता है। क्योंकि मुल्तानी मिट्टी आप जब आप यूज़ करोगे ना फेस पैक, तो आप देखोगे कि आपकी स्किन को एकदम टाइट कर देता है, एक कसाब सा आपकी स्किन में लेकर के आता है। तो जो झुर्रियाँ आपको पड़ना शुरू हो गई हैं तो उनको वो धीरे धीरे से, रेगुलरली आपको ये काम करना होता है। आप एक दिन छोड़ करके, या फिर मैं तो भी अपना सिंपल तरीका आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि मैं एज अ फेस वॉश ही इस मुल्तानी मिट्टी को इस्तेमाल करती हूँ, और ये जो है ना, एक बहुत ही बढ़िया क्लिंजर का काम करता है। जितनी भी आपकी स्किन पे इम्प्योरिटीज़ होगी, रेड स्किन है या फिर आपको ब्लैक एंड वाइट की प्रॉब्लम होती रहती है, उन सारी समस्याओं को ना ये जड़ से ख़त्म कर देता है अगर रेगुलरली आप इसे यूज़ करते जाओगे। साथ ही आपकी जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी थोड़ा सा लाइट हो जाता है, जैसे हमें धूल धूप में जाते हैं अपने चेहरे पे टैनिंग हो जाती है, तो उसे रिमूव करने के लिए भी ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है। तो सिंपली आपको क्या करना है, बहुत कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑयली स्किन के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ गुलाब जल, जो कि इसी के साथ आपको मिल जाता है, यहाँ से आपको लेना है गुलाब जल, और उतना सा हम इसमें ऐड करेंगे जितना कि ये एक बढ़िया गाढ़ा जैसा पेस्ट बन जाए इसका। ठीक है, बहुत सिंपल सा पैक ये बन के रेडी होता है, आपको और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लीजिए इसको बढ़िया तरह से, और आपका पैक बन के रेडी हो जाएगा। अगर ज़रूरत महसूस हो रही है तो आप थोड़ा सा इसमें और गुलाब जल ऐड कर लेंगे, तो इस तरह से आपका पैक बन के हो जाता है रेडी। और यहाँ पे आपके पास ब्रश भी है, तो ब्रश की मदद से इसे लगाना हो जाता है बहुत ही ज़्यादा इजी। तो आपको इसे अपने चेहरे पर लगा देना है, मैं आपको बताऊँगी लगाना भी। अभी हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने होते रहते हैं, अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, तो आपको इसमें क्या ऐड करना है। ऑयली स्किन वालों के लिए और कुछ तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, बस गुलाब जल की मदद से आप इसे पैक में कन्वर्ट कर लीजिएगा और लगाइएगा अपने चेहरे पे 10 मिनट तक, जब तक ये सूखती नहीं है तब तक लगा रहने दीजिएगा, फिर ठंडे पानी से चेहरे को धो लीजिएगा।
और अब बात कर लेते हैं एक्ने। अच्छा, पहले ड्राई स्किन वालों के लिए बात कर लेते हैं। ड्राई स्किन वालों को क्या करना है कि आप इसमें थोड़ा सा शहद ऐड कर सकते हैं। शहद ऐड नहीं करना है या नहीं है आपके पास, तो आप सिंपली मुल्तानी मिट्टी लीजिए और आप कच्चे दूध की मदद से, ये देखिए इस तरह से कच्चे दूध की मदद से आपने इसे एक पैक की तरह कन्वर्ट करना है। बहुत ही सिंपल है, बस अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, क्योंकि कच्चे दूध में पोषण भरपूर मात्रा में है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, और ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देता है। तो मेरा तो यही फेवरेट है। और बाकी जैसा मैंने आपको बताया कि डेली अगर आप इसे एज अ फेस वॉश की तरह ही इस्तेमाल करते हो, तो आप क्या कर सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से, देखिए गर्मियों का मौसम है तो पिंपल्स भी, अगर हमने थोड़ा सा ऑयली या बाहर का फास्ट फूड कुछ भी खा लिया तो पिंपल्स तो आ ही जाते हैं, और वैसे भी चिपचिपाहट इतनी ज्यादा है कि पिंपल्स आना स्वाभाविक सी बात है। तो देखिए अब क्या करना है, सिंपली आपने मुल्तानी मिट्टी ले लेनी है, और मुल्तानी मिट्टी में आपने क्या ऐड करना है, आपने ऐड करना है चुटकी भर हल्दी। ठीक है, देखिए मैं अंदाजे से ले रही हूँ यहाँ पे, बस आपको क्या करना है इस तरह से चुटकी चुटकी से ही ले लीजिए, चुटकी भर हल्दी और इसमें ऐड कर लेनी है। और टर्मरिक, मैंने यहाँ पे वाइल्ड टर्मरिक का इस्तेमाल किया है, आप कस्तूरी हल्दी, अंबा हल्दी, जो भी आपके पास अवेलेबल है, या फिर घर की शुद्ध हल्दी अगर आपके पास है तो आप वो ले सकते हो, वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है क्योंकि प्योर होगी, किसी तरह के केमिकल नहीं होंगे, जैसे कि हमारी इस मुल्तानी मिट्टी में किसी भी तरह के केमिकल्स नहीं है, बिल्कुल प्योर है। तो उसी तरह से आपको प्योर चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, घर की चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही आपको इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है, और वो है चंदन। चंदन गर्मियों के मौसम के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैंने यहाँ पे आधा जैसा स्कूप लिया है, मतलब आधा स्पून, अगर आप टीस्पून की मदद से ले रहे हो तो बस आधा जैसा ये आपने चंदन का पाउडर ऐड कर लेना है। गर्मियों के मौसम के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है और आपके पास होना ही चाहिए, आपकी स्किन को एकदम ठंडक का एहसास दिलाएगा और ये एक्ने पिंपल्स को क्योर करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इस तरह से आधी जैसी चम्मच आप ये ले लीजिएगा, और कुछ नहीं करना है, सिंपली गुलाब जल की मदद से आपको इसे एक बढ़िया गाढ़ा जैसा पेस्ट बना लेना है, इस तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ये बहुत ही अच्छी तरह से एक फेस पैक में कन्वर्ट हो जाए। फिर क्या करना है, जो भी आपकी समस्या है उस हिसाब से आप पैक बनाइएगा। देखिए मुल्तानी मिट्टी हर मर्ज की दवा है, आपको जो भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं सबके लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड ट्रस्ट मी इतने अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं इससे कि आपको और बहुत कुछ तामझाम में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं रह जाती है। ठीक है, अब आपका फेस पैक बनके हो गया है रेडी। पहले चेहरे को आप कॉटन की मदद से अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए, डर्टी फेस पे कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और बाकी फिर आपने लेना है इस तरह से। देखिए आपको यूज़ करना भी बहुत ही सिंपल हो गया है क्योंकि ब्रश है ना आपके पास, तो फटाफट से लीजिए इसे, लगाइए और लगाने के बाद इसे सूखने के लिए फिर छोड़ दीजिए, बस और आपको कुछ नहीं करना है। एंड इस मुल्तानी मिट्टी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इसे इजीली चेकआउट कर पाओगे, बिल्कुल प्योर है, आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो अच्छी तरह से लगाने के बाद आपको सूखने देना है, फिर अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लेंगे। तो फेस वॉश मैंने कर लिया और ये देख सकते हो आप रिजल्ट। अब भाई प्योर चीज़ें यूज़ करोगे तो रिजल्ट भी बहुत अच्छे ही मिलेंगे। एंड अब इसके बाद आपको अपनी स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर लेना है, जो भी मॉइस्चराइजर आप इस्तेमाल करते हैं उसकी मदद से। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन से आप लिंक चेकआउट कर सकते हो मुल्तानी मिट्टी का। बाकी इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय।